हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है आइसक्रीम। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं ये किस तरह से बनाई जाती है। अब मैंने ये 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था और इसको मैं थोड़ा सा दूध डाल के और इसको चलाऊंगी। इस तरह से इसको मिला देंगे, जो बस गुठले नहीं होने चाहिए। देखिए, ये 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मैंने दूध में मिक्स कर दिया है। अब मैं 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको भी इसी में दूध डालूंगी और इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। अभी जो बाकी दूध था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी। बस इसमें गुठले नहीं पड़ने चाहिए और इसे मैं रख दूंगी। ये जो उसमें भी मैं ये दूध मिक्स कर दूंगी। अब ये देखिए, दूध में मेरा बॉइल आ चुका है। अब इसमें मैं चीनी ली थी, मैंने ये 500 ग्राम दूध था और ये मैंने 250 ग्राम चीनी ली है। इसी में मैं कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर दूंगी। कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर ये दोनों मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम चलाएंगे, इसको अच्छी तरह से चलाएंगे थोड़ी देर, जिससे हमारा जो दूध है वो गाढ़ापन आ जाएगा। अब मेरे पास में 2 दिन की मलाई रखी हुई थी, अपने घर की मलाई है। आपके पास क्रीम हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं और मैं ये मलाई डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मैं चलाऊंगी। ये नारियल है, नारियल का बुरादा आप बाजार का भी ला सकते हैं और मेरे पास में नारियल था तो उसको मैंने छीन के ले लिया है। तो थोड़ा सा मैं नारियल मिक्स कर दूंगी, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये मेरा इतना गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसको नीचे रखूंगी तो ठंडा होने के बाद में और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं नीचे उतार के रख देती हूँ। अब ये ठंडा हो गया और मैंने इसमें कंटेन में डाल दिया है। तो ये जो कंटेनर है उसमें मैंने भर के और अब मैं फ्रीजर में रख दूंगी और उसको कम से कम 4-5 घंटे के लिए रख दूंगी। अब हमारे 4 घंटे हो गए फ्रीजर में रखने के। अब देखिए, मैंने निकाल दिए फ्रीजर में से। अब ये थोड़ी सी जम गई है, अब उसको हम ब्लेंडर करेंगे। तो मैंने ये भगोनी ले ली है, उसमें मैं ये सारा निकाल दूंगी। मिक्सी में भी कर सकते हैं, आपके पास ग्राइंडर नहीं हो तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। अब मैं इसको निकालूंगी। अब देखिए, दोबारा मैं इसी में ही ये कंटेनर में भर दूंगी। ये थोड़े मेरे पास ड्राई फ्रूट थे, उसको मैंने बारीक काट लिया और मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। अभी मैंने फॉइल पेपर ले लिया। आपके पास में कोई प्लास्टिक की थैली हो या दूध की थैली है वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं उसको पैक कर दूंगी, इसको हम इस तरह से पैक कर देंगे। इसको फ्रिज में रख देंगे पूरी रात भर के लिए और सुबह फिर हम देखेंगे। ये पूरी रात भर मैंने आइसक्रीम रख ली थी फ्रीजर में और अब मैंने फ्रीजर में से निकाल लिए। अब ये फॉइल पेपर हम निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी आइसक्रीम जम गई है। अब इसको मैं इस तरह से बाउल में निकाल लूंगी। अब देखिए, मैंने आइसक्रीम कप में ये निकाल दिया है
और अब मेरी आइसक्रीम खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसी तरह से बनाइए, खाइए और खिलाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।